हेलो, कोई बता सकता है मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत आभारी हूं जिन्होंने एक बार फिर मुझे आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया है। पिछली बार जब मैं आपके सामने था तब मैं निर्मल वर्मा पर, उनकी कथा भाषा पर मैंने आपसे बात की थी, और आज रघुवीर सहाय की कविता पर, बल्कि कहना चाहिए जैसा कि आप इस विषय से समझ पा रहे होंगे, कविता और हिस्सेदारी, रघुवीर सहाय का जो हिस्सेदारी का आइडिया है उस पर हम कुछ बात करेंगे। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिन्हें कई बार रघुवीर सहाय को प्रत्यक्ष तौर पर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सिर्फ उनकी कविताएं ही नहीं बल्कि उनके वक्तव्य और जिरह भी, उनके साथ थोड़ा बहुत निजी संवाद करने का, उनका निजी सानिध्य प्राप्त करने का मौका भी मुझे मिला है। वे भारत भवन के हमारे दिन थे। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं की कविता, चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाटक के अंतहीन अटूट सिलसिलों के बीच साहित्य, कला, आलोचना, दर्शन आदि पर केंद्रित विमर्श, वाद विवाद और संवाद से अटे हुए दिन। हम इन सबसे बाहर घटित होते जीवन और इन सब में घटित होते जीवन के बीच लगातार आवाजाही करते थे। मुझे और मेरे युवा लेखक कलाकार मित्रों के लिए वह एक विलक्षण गुरुकुल, अनुभव और ज्ञान का जीवंत घटना स्थल था। हम अनुप्राणित और अंकुरित हो रहे थे। अनेक प्रतिभाशाली कवियों की एक पीढ़ी रघुवीर सहाय से उत्प्रेरित और प्रभावित थी, लेकिन मैं उनकी कविताओं का मुरीद होते हुए भी, और इस कदर मुरीद होते हुए कि मुझे उनकी कई कविताएं कंठस्थ थीं, मैं उनसे उत्प्रेरित प्रभावित पीढ़ी का सदस्य संयोग से नहीं था। तब भी उन्होंने कविता की मेरी नवजात समझ और तर्कणा का सार्वजनिक तौर पर जिस सहिष्णुता के साथ एक बार बचाओ बल्कि अनुमोदन किया था, उससे जुड़ा एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कुछ वरिष्ठ लेखकों, जिनमें निर्मल वर्मा प्रमुख थे, की आर्थिक मदद से हम पांच युवा लेखकों ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था होना शुरू होना। यह चार कवियों, ध्रुव शुक्ल, राजन धोड़पकर, संजीव खेत्री और उदयन वाजपेयी की कविताओं का संचयन था, जिसे मैंने एक अपेक्षाकृत लंबी पॉलिमिकल और निश्चय ही पर्याप्त नाइव भूमिका के साथ संपादित किया था। इस भूमिका का शीर्षक था महाकाव्य की पतन गाथा और 8वें दशक से मुक्ति का घोषणा पत्र। उल्लेखनीय है कि इन पांचों लेखकों में से किसी की भी कोई पुस्तक प्रकाशित तब तक नहीं हुई थी, सिर्फ छिटपुट लेखन ही पत्र पत्रिकाओं में छपा था। बहरहाल, इस पुस्तक का विमोचन भारत भवन में निराला सृजन पीठ के तत्वावधान में हुआ था, जिसकी तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णा सोपती थी।
विमोचन किया था कुमार नारायण ने, और इस अवसर को जिन अन्य लेखकों की उपस्थिति गरिमा प्रदान कर रही थी उनमें निमिचंद्र जैन, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, कमलेश, विजय मोहन सिंह और अशोक वाजपेयी आदि शामिल थे। विमोचन की अगली दो शामों में इन सारे लेखकों के बीच इधर की दुनिया इधर की कविता शीर्षक से एक परिसंवाद आयोजित हुआ। यूं तो हम पांचों उसमें श्रोता के रूप में ही शामिल थे, लेकिन उस पर्याप्त उत्तेजित विमर्श के बीच सहसा नामवर जी ने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। यही मेरे लेखकीय जीवन का वह पहला वक्तव्य था जिस पर उठाई गई आपत्तियों में हस्तक्षेप करते हुए रघुवीर सहाय ने लगभग मेरा बचाव करते हुए अपनी बात कही थी। यहां इन चीजों के विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। यह पूरी बहस पूर्वग्रह के अंक 63-64 में प्रकाशित है। ये 1984 के आसपास की बात है। बहरहाल मैं आज के अपने विषय पर आता हूं, रघुवीर सहाय, कविता और हिस्सेदारी। शुरुआत में एक उद्धरण से कर रहा हूं जो रघुवीर सहाय की कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में वक्तव्य के शीर्षक से प्रकाशित है। उद्धरण यूं है, अक्सर मुझे यह एहसास, एक तीखा एहसास साहित्य के बारे में सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम यानी साहित्यकार अपनी उस खास दुनिया से बेगाने नहीं होते जा रहे हैं जिसमें रहकर हम दुनिया वालों की दुनिया में एक खास ढंग से हिस्सा लेते हैं और फिर इस खास ढंग से ही उससे अलग हो जाते हैं। वह हमारी खास दुनिया या तो नकली उदासीनता से या सतही दिलचस्पी से छिन्न भिन्न हो चली है। पहले हम उस दूसरी दुनिया को देखें जिसमें हमें पहले से ज्यादा रहना पड़ रहा है, लेकिन जिसमें हम न लगाव साध पा रहे हैं और न अलगाव। इस स्थिति में सबसे आसान यह पड़ता है कि व्यक्ति स्वातंत्र की अभी तक बची सुविधा का फायदा उठाकर मैं अपने लिए बचे रहने की निजी बिल्कुल अहस्तांतरणीय रियायत ले लूं। उससे कुछ मुश्किल यह है कि मैं यह रियायत अस्वीकार करूं और उनके आश्रय जिंदा रहूं जो इंसान के लिए दूसरे हथियारों से लड़ते हैं, साहित्येतर हथियारों से। सबसे मुश्किल और एक ही सही रास्ता है कि मैं सब सेनाओं में लड़ूं, किसी में ढाल सहित किसी में निष्कवच होकर, मगर अपने को अंत में मरने सिर्फ अपने मोर्चे पर दूं, अपने भाषा के, शिल्प के और उस दुतरफा जिम्मेदारी के मोर्चे पर जिसे साहित्य कहते हैं। विराट भीड़ों के समाज को बदलने का आज सिर्फ एक ही साधन है, वह है उस सत्ता का उपयोग जो समुदाय का एक एक व्यक्ति अलग अलग निर्णयों से कुछ हाथों में देता है। राजनीति की ओर मेरा यही रवैया है, संकटकालीन रवैया कह लीजिए, कि वह बहुत जरूरी है या वह बहुत फिजूल है, दोनों फतवे संकट से भागने के बहाने हैं। वह बहुत जरूरी है पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूं, अपनी उस कला परंपरा के लिए जिसमें मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढाता हूं और आप कहते हैं कि कविता की है। ये उद्धरण जैसा मैंने कहा आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह की भूमिका के तौर पर छपा है। एक सेकंड जी, जी बोलिए जी जी। हाँ बंद है, बंद है। हाँ जी, कविता में प्रवेश के लिए कवि का वक्तव्य, आप कहेंगे कविता में प्रवेश के लिए कवि का वक्तव्य शायद सही रास्ता नहीं है, हम कविता के गंतव्य से भटक सकते हैं। लेकिन अव्वल तो यह कहना ही मुश्किल है कि कविता में कोई गंतव्य होता है या उसके पास हम इस गंतव्य के लिए जाते हैं, और दूसरे यह कि अगर वह होता भी है तो कम से कम रघुवीर सहाय के संदर्भ में यह जोखिम उठाया जा सकता है। महज इसलिए नहीं कि यह एक तरह से उन्हीं का प्रस्ताव है, क्योंकि उन्हीं ने इस वक्तव्य को अपने कविता संग्रह की शुरुआत पर उसके प्रवेश द्वार की तरह रखा है, और ऐसा वे अपने ज्यादातर संग्रहों में करते रहे हैं। बल्कि इसलिए भी कि वक्तव्य
एक व्यापक अर्थ में उनकी कविता में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभीष्ट उपस्थिति है। वहां वह अपने शाब्दिक अर्थ में तो मौजूद है ही, उसकी व्याप्ति कविता में एक पक्ष के रूप में मौजूद गद्य और अंधा तक भी है। मैं क्षमा चाहता हूं एक सेकंड के लिए, बाहर काफी शोर हो रहा है, मैं उसको रोक दूं। क्षमा करें, मैं कह रहा था कि वक्तव्य एक व्यापक अर्थ है, उनकी कविता में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभीष्ट उपस्थिति है। वहां वह अपने शाब्दिक अर्थ में तो मौजूद है ही, उसकी व्याप्ति कविता में एक पक्ष के रूप में मौजूद गद्य और अभिधा तक भी है। कविता और वक्तव्य के भेद के दो टूकपन को मिटाते हुए दोनों के बीच एक संश्लेष रचने की खुद उनकी महत्वाकांक्षा रही है। पद्य और गद्य की अंतर्व्याप्ति से रचे गए छंद के सहारे शब्द और अर्थ को पाने की या उनका संशोधन करने के उनके प्रयत्न इसी महत्वाकांक्षा के सूचक हैं। जिस दुनिया वालों की दुनिया की बात इस उद्धरण में कही गई है, उसे अगर भाषापरक रूपक के सहारे कहें तो एक अर्थ में गद्य या वक्तव्य की दुनिया भी कहा जा सकता है। गद्य या वक्तव्य के स्तर पर विन्यस्त दुनिया, बेहिसाब असंगतियों की एक धड़कती सत्ता, रघुवीर सहाय के ही शब्दों में, यह सत्ता और सत्ताहीन लोगों की दुनिया है, जिसमें एक तरफ मनुष्य की जन्मजात अद्वितीयता और अद्वितीय होने के उसके हक को छीनकर खुद को अद्वितीय कहने वाले काइयां, पाखंडी, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, मुस्तंडे विचारक, राजनेता, सत्ताधारी आदि शामिल हैं, जो कभी कभी मुसद्दीलाल, मंत्री, वाजपेयी जी, मोरारजी आदि नामों से कविता में प्रकट होते हैं, और दूसरी तरफ अपनी सहज अद्वितीयता से वंचित कर दिए गए, हर दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे जीने को विवश किए जाते सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी, गुलामी, अन्याय और शोषण के शिकार, जातियों में बटे अशिक्षित लोग मार तमाम लोग हैं, रामलाल, मैकू, दयाशंकर, रामदास। और अंततः वक्तव्य एक विमर्श विधि के रूप में उस राजनीति की ओर भी संकेत करता है, जो इस दुनिया के या उन्हीं के शब्दों में इस बेहिसाब असंगतियों की एक धड़कती सत्ता के अंदरूनी रिश्तों का आधार है और जो इस कविता में एक निर्णायक संवेग के रूप में मौजूद है। इन तमाम अर्थों के साथ वक्तव्य रघुवीर सहाय की कविता के संदर्भ में सिर्फ एक प्रवेश द्वार ही नहीं है, वह इस कविता के अंतरंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसी के बरक से साहित्यकार की अपनी खास दुनिया, जिसमें कवि के इंद्रिय संवेदन, बौद्धिक प्रत्यय, नैतिक दृष्टिकोण, उत्प्रेरणाएं, स्वप्न, सरोकार आदि शामिल हैं। वह दुनिया जिसकी रचना वह अपने पूर्वज और समकालीन लेखकों द्वारा गढ़ी गई कला परंपरा के भीतर स्वयं करता है और जिसमें वह अधिकतम स्वाधीनता के साथ रहता है। इस खास दुनिया के प्रति रघुवीर सहाय के आकर्षण, बल्कि शायद सम्मोह, वो इस तथ्य में भी देखा जा सकता है कि कविता की अपनी दुनिया की आहटें उनकी कविताओं में लगातार सुनाई देती है। कविता इन कविताओं में लगातार उपस्थित है। वह कवि की चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। वे उसे जहां तहां परिभाषित भी करते हैं और अपनी परिभाषाओं के लिए उसका सहारा भी लेते हैं। अगर उसका नहीं तो उसकी अपनी यानी साहित्यिक दुनिया से ताल्लुक रखने वाली चीजों का, साहित्य, लेखन, रचना, रचना प्रक्रिया, शब्द, अर्थ, भाषा, छंद, कवि, पाठक, श्रोता आदि। उनकी कविता इन संज्ञाओं से भरी हुई है और यही उनके काव्यतर वक्तव्यों का भी सामान्य मनोविज्ञान है। यहां भी वे कविता ही के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बजाय उन आपातिक आसन्न संकटपूर्ण स्थितियों के, जिनसे उनकी कविता एक स्तर पर प्रतिशुद्ध प्रतिबद्ध है। दुनिया वालों की जो दुनिया उनकी कविताओं में खुलती है, यह आत्मचेतना उस दुनिया में मनुष्य के होने को और इस होने के त्रास और संघर्ष को कवि होने के त्रास और संघर्ष के रूप में पेश करती प्रतीत होती है। कविता की जरूरत को परिभाषित करते हुए
वे उसे जीने का उद्देश्य कहते हैं। यही नहीं, जब वे यह कहते हैं कि उद्धरण, न सही यह कविता, यह मेरे हाथ की छटपटाहट ही सही, यह आत्महत्या के विरुद्ध में फिल्म के बातचीत नाम की कविता से है, या प्रिय पाठक ये मेरे बच्चे हैं, कोई प्रतीक नहीं, और इस कविता में मैं हूं मैं, कोई रूपक नहीं, ये एक अधेड़ भारतीय आत्मा शीर्षक कविता से है। तो वे एक तरह से कविता को अपने उसी स्वत्व की तरह देख रहे होते हैं जिसके प्रति जिम्मेदारी को वे अन्य के प्रति जिम्मेदारी की अनिवार्य शर्त मानते हैं। दुनिया वालों की दुनिया की व्यक्तित्वहीनता सपाटता के बरक्स यह एक विशिष्ट और अद्वितीय दुनिया है। इसी युग्म से समीकरणीय दूसरे युग्मों को भी देखा जा सकता है। पीड़ित अन्य के बरक्स कवि का करुणामय स्वत्व, राज्य सत्ता के बरक्स व्यक्तिगत स्वाधीनता, गद्य के बरक्स पद्य, सामान्यीकृत वाणी अथवा मुहावरे के बरक्स कवि वाणी की अद्वितीयता, इनमें से प्रत्येक युग्म का दूसरा पक्ष दरअसल कवि का पक्ष है। कवि उससे या तो एकात्म है या उसके साथ उसका परस्पर प्रतिनिधित्व का रिश्ता है। ऐसा लगता है कि रघुवीर सहाय की कविता की उत्प्रेरणाओं में एक उत्प्रेरणा, किंचित पॉलिमिकल किस्म की उत्प्रेरणा, इस धारणा से जुड़ी हुई है कि उनकी समकालीन कविता उपर्युक्त दो पक्षों में बटी हुई है, जहां ये दोनों पक्ष मानो किसी शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में एक दूसरे का अपवर्जन या निषेध करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह धारणा सर्वथा निराधार नहीं है। बहरहाल यह धारणा उनके उपर्युक्त वक्तव्य में अथवा कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर वह एक गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण वह पहचान लेता था, जैसी कविता पंक्तियों में तो विवक्षित है ही, इसका अधिक विश्वसनीय साक्ष्य उनकी कविता है जो मानो इस विभाजन के दो टूकपन को मिटाने की महत्वाकांक्षा में ही आकार लेती है। वे इन दो पक्षों को एक दूसरे का अपवर्जक मानने की बजाय एक दूसरे का प्रतिरूप मानते हैं और दोनों के बीच एक जीवंत रिश्ते की कामना करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जहां उस अपवर्जन को एक अविच्छिन्न तनाव के स्तर पर साधा जा सके। लोकतंत्र जो उनकी कविता का प्रमुख और आवर्ती प्रत्यय है, महज एक राजनीतिक पद्धति का द्योतक न होकर कविता में और परिणामतः कविता के रूप में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित इसी तनावपूर्ण जीवंत रिश्ते का वाचक है। यह तनावपूर्ण जीवंत रिश्ता, यह लोकतंत्र तभी संभव है जब कवि दोनों पक्षों के प्रति उस दुतरफा जिम्मेदारी का निर्वाह करे जिसका जिक्र आरंभिक उद्धरण में किया गया है, यानी जब वह अपने पक्ष के प्रतिनिधि की हैसियत से या अपने प्रतिनिधि पक्ष के माध्यम से दूसरे पक्ष में हिस्सेदारी करता हुआ खुद को दूसरे पक्ष द्वारा विघटित कर दिए जाने से रोके रख सके। इस आत्मलोप का खतरा दुतरफा है। वह खुद को या अपने प्रतिनिधि पक्ष को अन्य पक्ष की विलोपनकारी दुनिया में असुरक्षित छोड़ देने में ही नहीं है, वह खतरा इस दुनिया में न उतरने में भी है। उद्धरण, यही वक्त है, अभी कुछ करो नौजवान, और उस औरत के दुख भरे जीवन में बैठ जाओ, यही मौत के खिलाफ, अपनी मौत के खिलाफ एक काम है जो कर सकते हो। लोग भूल गए हैं संग्रह से कार्रवाई शीर्षक कविता। एक दूसरा उद्धरण है, सहना पराई पीड़ाओं को बार बार, जीते रहने का अकेला उपाय है, जड़। तीसरा उद्धरण, एक बार जानबूझकर चीखना होगा जिंदा रहने के लिए दर्शक दीर्घा में से, ये फिर उसी फिल्म के बाद चीख शीर्षक कविता से। इन आह्वानों को उपर्युक्त दूसरे युग्म के संदर्भ में भी घटित देखा जा सकता है। यही आत्मलोप का दुतरफा खतरा कविता के लिए भी उत्पन्न होगा। उसके लिए भी यह जरूरी है कि वह खुद को न तो राजनीति के हाथों में प्रतिरोधहीन भाव से पूरी तरह सौंप दे और न ही उससे पलायन करे। उदाहरण, वह यानी राजनीति बहुत जरूरी है या वह फिजूल है, दोनों फतवे संकट से भागने के बहाने हैं, वे कहते हैं। इस तरह के आह्वान भाषा के संदर्भ में इन उद्धरणों में भी लक्ष्य किए जा सकते हैं।
मैं उनकी भाषा में नहीं कह रहा हूँ, ये उद्धरण है, मैं उनकी भाषा में नहीं कह रहा हूँ, फिर भी मुझे उनसे अपना लिखना छपाना नहीं है, क्योंकि उसे देखकर ही जाना जा सकता है कि मैंने जो कहा कल कहीं और वह समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। कल के लिए शीर्षक कविता लोग भूल गए हैं इसे। दूसरा उद्धरण है, भाषा में अर्थ है और उसे समाज की सही समझ द्वारा खोज कर पाया जा सकता है। ये दिल्ली मेरा परदेश से उद्धरण था। इस प्रकार आत्मलोप का यह दुतर्फा खतरा ही इस किस्म के हर एक संबंध में निहित तनाव का स्रोत है, लेकिन इस तनाव को बनाए रखने में ही खतरे से बचाव है। आत्मलोप के विरुद्ध एकमात्र साधन है, यह तनाव ही आत्महत्या के विरुद्ध एकमात्र साधन है। प्रश्न यह है कि क्या रघुवीर सहाय की कविता उसी के द्वारा जगाई गई इस अपेक्षा को पूरी कर पाती है? क्या वह उस तनाव को साध पाती है? दोनों ही स्तरों पर, यानी उन रिश्तों के संदर्भ में जो कवि के करुणामय स्वत्व के प्रतिनिधि के रूप में उसका काव्य नायक पीड़ित अन्य के साथ बनाता है, और उस रिश्ते के संदर्भ में भी जो एक साहित्यिक कृति के रूप में कविता स्वयं अपने अन्य यानी राजनीति के साथ बनाती है। जहां तक पीड़ित अन्य की दुनिया में कवि के करुणामय स्वत्व की हिस्सेदारी का सवाल है, उसका रूप कुछ इस तरह का है। ये उद्धरण है। काला नंगा बच्चा पैदल 20 सड़क पर जाता था, और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था, तभी झपट कर मैंने बच्चे को रस्ते से खींच लिया। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। वहीं देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यूं पूछा, क्या यह साथ तुम्हारे है? वह पलभर ठिठका बोला हाँ, फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब इसकी माँ गुजर गई है, इसके दो भाई भी मैंने दिए गवां। मैं अपने से पूछ रहा हूँ, मैं यह सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझ में एकदम जागा। काला नंगा बच्चा, हंसो हंसो जल्दी हंसो। यह चीज हमें एक दूसरी हिस्सेदारी की याद दिलाती है। यह उद्धरण पूर्वग्रह 17 में प्रकाशित अशोक वाजपेयी और मंगलेश डबराल के साथ उनकी बातचीत से, सत्ता का सारा अभिप्राय आदमी के पास उसका हक जितनी आजादी का है उससे कम आजादी रखना होता है, वरना सत्ता नहीं होगी, वरना तो सबकी बराबर सत्ता होगी। जिस हद तक हम स्वेच्छा से अपनी आजादी सौंपते हैं किसी दूसरे ही प्रतिरूप को स्वेच्छा से और सीमित समय के लिए, हम अपनी आजादी का हिस्सा इसलिए देते हैं कि वह समाज और राज्य का प्रबंध करे, तो सत्ता के और हमारे बीच में एक रिश्ता बनता है, वह रिश्ता हमेशा तनाव का रिश्ता होगा। ये उद्धरण था। सत्ता के साथ व्यक्ति के संबंध के जिस तनावपूर्ण विधान का आग्रह इस उद्धरण में है, क्या कमोवेश वैसा ही विधान लोक के साथ उसके उस संबंध में भी नहीं है जिसका दृष्टांत उपर्युक्त कविता में है? व्यक्ति की आजादी को ज्यादा से ज्यादा हड़पने की सत्ता की भूख के बरक्स वहां भी भिखारी है जो उसी तरह उसकी करुणा को ज्यादा से ज्यादा हड़पना चाहता है। दोनों ही मामलों में कवि अपने स्वत्व को खतरे में पाता है, जिनके चलते वह पीड़ित अन्य के साथ लगभग वैसा ही संबंध बनाता है जैसा वह पीड़क सत्ता के साथ बनाता है, एक सशर्त नियंत्रित किफायती आंशिक और सुरक्षित संबंध। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि कविता के अंत में वह अपने आचरण पर सवाल उठाता है, मैं अपने से पूछ रहा हूं, मैं यह सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझ में एकदम जागा। प्रसंगवश हम इस सवाल के उस जवाब को भी यहां उद्धृत कर सकते हैं जो यूं तो सवाल में ही विवक्षित है, पर जिसका खुलासा रघुवीर सहाय ने अपनी उसी बातचीत में किया है जिसका हवाला ऊपर दिया गया है। उद्धरण, तो अगली बात वह भिखारी यह कहता कि इसलिए साहब मुझे 1 रुपया दीजिए या मैं और भी कुछ का आपसे हकदार हूं, तो मेरा सारा जो करुणा का विस्तार था वह जटिल होने जा रहा था।
पता नहीं वह झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, लेकिन मैं डर गया थोड़ा कि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो यह मेरा कायरपन था। लेकिन यह आत्मभर्त्सना जिस आत्मचेतना की ओर इंगित करती है, उसकी विश्वसनीयता के लिए क्या उसका प्रकाशन मात्र पर्याप्त है? कविता के भीतर उसका फलन कहां होता है? और इससे भी पहले, क्या यह वाकई आत्मचेतना है? अगर हम उद्धृत कविता को ही लें तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपनी वक्तव्य परकता के बावजूद वह एक कविता है, और बावजूद इसके कि रघुवीर सहाय दो अर्थ का भय के चलते कविता में फूंक फूंक कर शब्द रखते हैं, इस कविता में उन्होंने जिस भिखारी संज्ञा का प्रयोग किया है वह सिर्फ एक वस्तुपरक अर्थ की वाचक संज्ञा नहीं है, वह एक अवधारणा भी है जो उसे गढ़ने या सहज ढंग से बरतने वाले मानस की ओर सबसे पहले इंगित करती है, और वह एक आत्मचेतन नहीं बल्कि एक आत्म प्रमत्त मानस है जिस भ्रम का शिकार है कि जो कुछ भी उसके पास है और जिसका एक मामूली सा अंश वह दूसरे को दे रहा है, उस पर उस दूसरे का नहीं बल्कि स्वयं उसका स्वामित्व हक है। इसलिए आत्मभर्त्सना का विषय काव्य नायक का भाग जाना भर नहीं बल्कि उससे पहले वह उस भाव का जागना भी है जिसके चलते वह भिखारी जैसी संज्ञा का प्रयोग करता है। तब क्या कविता के अंत में पूछा गया सवाल या उससे व्यंजित होती तथा कथित आत्मचेतना के साथ कवि कविता के संदर्भ में उस भिखारी जैसी ही भूमिका नहीं निभाता? पाठक से अपनी कविता के लिए अतिरिक्त सहानुभूति की मांग करता हुआ और पाठक को इस संशय में डालता हुआ कि पता नहीं वह यानी कवि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। दरअसल अन्य के दुख भरे जीवन में पैठ का कवि का संवेग पैठ के आह्वान में ही स्खलित होकर रह जाता है, वास्तविक पैठ में चरितार्थ नहीं होता। रघुवीर सहाय ने लिखा है कि कविता तभी होती है जब वह विषय से दूर और वस्तु के निकट होती है, लेकिन वस्तु यानी विषय का मर्म विषय से बाह्यतः दूर नहीं होती, वह विषय की गहराई में होकर यह दूरी साधती है, और इसलिए उसका अवगाहन विषय में बैठकर ही किया जा सकता है। रघुवीर सहाय की कविता ऐसे अंतः प्रवेश का कोई साक्ष्य पेश नहीं करती। अस्तित्व का जो भी सीमित सा बहिरंग उसमें प्रकट होता है वह अपनी विषय रूपता का अतिक्रमण नहीं कर पाता। यह बहिरंग ज्यादातर उससे बहुत भिन्न नहीं है जो मसलन उनके अपने समय की पत्रकारिता के माध्यम से भी प्रकट होता है, हो सकता है, होता है। वह कवि सुलभ दृष्टि से उभरता बहिरंग नहीं है, कवि सुलभ केवल उसकी प्रस्तुति है जो उसको और भी ज्यादा विषय रूप बनाती है। वे सत्ता के तिलिस्म की बात करते हैं, लेकिन उनकी कविता से उभरते सत्ता के रूप में ऐसी कोई अभेद्यता, अतर्कनीयता, अपरिभाषीयता नहीं है जिसकी तिलिस्म जैसे शब्द के साथ कोई संगति बैठती हो, जिसको देखकर कहा जा सकता हो यह सत्ता के अर्थ और उसकी व्याप्ति में बैठकर पाई गई वस्तु यह सत्ता का यथार्थ है। सत्ता का जो भयावह और त्रासद और जटिल रूप 20वीं सदी और उसमें लिखे गए साहित्य में उभरता है, उसे ध्यान में रखें तो रघुवीर सहाय की सत्ता अत्यंत सरल, पारदर्शी, सहज ग्राह्य और युक्ति साध्य प्रतीत होती है। यह सत्ता का सरलीकरण है जो उसके साथ कवि के संघर्ष के अभाव से उपजता प्रतीत होता है। वे सत्ता को गालियां देते हैं, लेकिन ऐसे किन्हीं वेधक जटिल उत्कट प्रश्नों के साथ उसका सामना नहीं करते जिनकी विषमता में सत्ता की अपराजेय क्रूरता और कवि या मनुष्य की सच्ची असहायता उजागर हो सके। इसलिए जब वे लोगों को सत्ता के समक्ष लाचार घोषित करते हुए और खुद को उनसे अलगाते हुए उस लाचारी के लिए सत्ता के साथ स्वयं उन लोगों को कहीं ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, तब क्या वे जाने अनजाने खुद अपने संघर्षच्युत आत्मसमर्पण पर आवरण नहीं डाल रहे होते हैं? यह जिम्मेदारी नहीं है। सत्ता से संतरस्त जन के प्रति जिम्मेदारी तब तक संभव नहीं है जब तक कवि अपने प्रश्नों को खुद अपने अस्तित्व से अनुप्राणित कर उनको सत्ता के समक्ष प्रक्षेपित नहीं करता, भले ही सत्ता इन प्रश्नों को अंततः प्रभाव शून्य ही क्यों न कर देती हो।
दूसरी तरफ अगर कुछ कविताओं को छोड़ दें जिनमें से ज्यादातर के केंद्र में स्त्री है, जिनमें करुणा और सहानुभूति के संवेग अपने को थामे रख पाते हैं, तो जन के जीवन में पैठ का कोई निष्पादन परक परफॉर्मेटिव दृश्य इन कविताओं में नहीं मिलता। उनमें न तो इस जीवन की उल्लेखनीय कवि सुलभ छवियां या ब्यौरे हैं, ना ही उस त्रास का कोई इंद्रिय गोचर अथवा बौद्धिक रूप है जिसकी उपस्थिति का बोध कराने ये कविताएं उसका बार बार बहुविध शाब्दिक घोष करती है। रघुवीर सहाय त्रास बोध के कवि नहीं है। हाँ, लोगों के प्रति उनकी क्रोध की विविध अभिव्यक्तियां अवश्य भ्रम देती हैं कि उन्हें त्रास से ज्यादा त्रास के कारण का बोध है, कि इस कारण बोध को वे त्रास बोध से ज्यादा महत्व देते हैं, कि यह कारण बोध ही उनके लिखने का कारण है। लेकिन त्रास के कारण की अपनी तलाश में एक ओर जब वे राज्य सत्ता जो उनके यहाँ मानव अस्तित्व का एकमात्र अधिकरण है की तरफ जाते हैं, तो हमें वहां यह पारिभाषिक शब्दावली हाथ लगती है। अनपढ़, अपढ़पन, अज्ञान, मूढ़ता, मूर्खता, अंधविश्वास, उदासीनता, व्यक्तित्वहीनता, समर्पण भाव, कायरता, गुलाम मानसिकता, जातिवाद वगैरह, यह सब भी किसी अनुभव का अंग बनकर नहीं बल्कि कवि के शाब्दिक प्रक्षेप की मार्फत हम तक पहुंचता है। यह जवाबदेही नहीं है, यह जवाब तलवी है, जवाबदेही का पुलिसिया ढंग। उपर्युक्त शब्दावली हमें रघुवीर सहाय के एक महत्वपूर्ण शब्द की याद दिलाती है। यह शब्द है नफरत, जिसको वे अपने विशेषणों के साथ सच्ची और निस्संग नफरत कहकर पुकारते हैं। पर उनके यहां यह वाकई महज एक शब्द नहीं है। निस्संग वह भले नहीं है, पर सच्ची वह सचमुच है। उनकी कविता का सबसे सच्चा और केंद्रीय भाव, प्रबल और नियामक भाव, वे इसको एक व्याजोक्ति की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह प्रभाव देना चाहते हुए कि लोगों के प्रति उनकी इस नफरत में वस्तुतः उनके प्रति उनका सच्चा प्रेम, सहानुभूति और करुणा निहित है, कि वह इन भावनाओं की प्रतिध्वनि है। लेकिन ऐसा है नहीं, वह अपने में एक ध्वनि है, इतनी जोरदार कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति की अल्प प्राण ध्वनियों को निगल लेती है। अपनी स्पष्ट उद्घोषणा और तथाकथित पारदर्शिता की ओट में यह नफरत अपने को संकोच में संशोधित कर जीवित रखती है, जो लोक के साथ रघुवीर सहाय या उनके काव्य नायक के रिश्ते को आकार देती है, जिसके सहारे वे लोक के प्रति अपने स्वत्व के अर्पण के क्षण में ही इस अर्पण को मर्यादित करते हैं, उसे किफायती बनाते हैं। और हम मुड़कर एक बार फिर उद्धृत कविता के शुरुआती बिंब को गौर से देखते हुए पूछते हैं कि क्या यह वाकई खतरों से भरी सड़क पर पैदल जाता काला नंगा बच्चा है, या झूठ बोलने की कीमत पर भी पराई सहानुभूति और करुणा को हड़प लेना चाहते लोगों के बीच कवि की असुरक्षित करुणा है जिसको वह रस्ते से खींच लेता है। अन्य के प्रति उन्मुखता, करुणा या सहानुभूति दरअसल रघुवीर सहाय का स्वभाव नहीं है, वह उनकी एक बाध्यता है। अन्य को वे अपनी स्वाधीनता में एक बाधा की तरह ही अनुभव करते हैं, लेकिन वे यह भी एक प्रदत्त की तरह मानकर चलते हैं कि अन्यों से निर्मित बाहर की दुनिया ही स्व की वैधता और प्रामाणिकता का स्रोत है। इसलिए वे जब अन्य की ओर उन्मुख होते हैं तो यह उनके स्वभाव के विरुद्ध एक विवश यात्रा होती है, असहज और इसीलिए अपने प्रस्थान से ही संकोच से भरी हुई यात्रा। और बाहर जाने पर उनको भिखारी मिलते हैं, जो झूठ बोलकर भी उनकी सहानुभूति और करुणा को हड़प लेना चाहते हैं। यह स्थिति अन्य के प्रति नफरत ही उपजा सकती है, वह नफरत जो अन्य की दुनिया को उनके शब्दों में रंगी चुंगी पंजाबिनों, धुली पुछी बंगालिनों, रूखी मराठिनों, दुहाजू की बीवी, मोहबाए चुंधियाए, खुजलाते सहलाते ईर्ष्यालुओं, चुगलखोरों, मूर्खों की दुनिया के रूप में ही देख सकती है। यही वह दुनिया वालों की दुनिया है जो जितना हमें इस दुनिया के बारे में बताती है उससे कहीं ज्यादा इस दुनिया में रघुवीर सहाय की हिस्सेदारी के खास ढंग के बारे में बताती है। यह हिस्सेदार व्यक्ति की निस्संगता नहीं है जो वाकई तनाव में फलित हो सकती है, यह एक निस्संग व्यक्ति की हिस्सेदारी है।
जिसका कहीं ज्यादा बड़ा साक्ष्य उनकी कविताओं के आर पार व्याप्त ठंडेपन में पाया जा सकता है। यह ठंडापन आवेग के संयम से नहीं बल्कि उसके अभाव से उत्पन्न है, उस लोक की ऊष्मा के अभाव से उत्पन्न जिसकी अपेक्षा रघुवीर सहाय की लोकवाचक शब्दावली जगाती है। क्या यह ठंडापन सूक्ष्म स्तर पर एक तरह की मानव भीति या मानव द्वेष की मौजूदगी की ओर संकेत नहीं करता? हालांकि यहां यह याद करना प्रासंगिक होगा, यह ठंडापन उनके यहां बाद के दिनों में विकसित परिघटना है, क्योंकि सीढ़ियों पर धूप की दुनिया, जैसा कि शीर्षक से भी व्यंजित है, सचमुच ही ऊष्मा से भरी हुई दुनिया थी। उसमें लोकपरकता की प्रतिज्ञाएं और मुद्राएं नहीं थी, बल्कि अपने आत्मीय नैसर्गिक और मानवीय परिवेश के साथ जीवंत प्रतिक्रिया करता जीता जागता आदमी था। तनावहीनता का यही दृश्य हम उस दूसरे स्तर पर भी देखते हैं, जहां कवि या उसके काव्य नायक की जगह कविता साहित्य की एक विधा के रूप में कविता अपने अन्य के साथ रिश्ता बनाती है। इस स्तर पर यह अन्य राजनीति है। इस स्तर पर भी तनाव की अपेक्षा रघुवीर सहाय ही जगाते हैं, जब वे अपने वक्तव्य में साहित्य की अपनी खास दुनिया को अपनी चिंता और प्रतिबद्धता के प्राथमिक स्तर पर रखते हुए कहते हैं कि राजनीति मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूं, और यह कि राजनीति के प्रति यह एक संकटकालीन रवैया है। कविता में राजनीति की पुनर्प्रतिष्ठा, इससे पहले उसे ऐसी ही प्रतिष्ठा प्रगतिवाद में मिल चुकी थी। कविता में राजनीति की पुनर्प्रतिष्ठा के पीछे यह तर्क था कि मानव यथार्थ इस समय विभिन्न ऐतिहासिक संयोगों के परिणाम स्वरूप समकालीनता, तात्कालिकता और सार्वजनिकता के अपने आयाम में विन्यस्त है, कि आज का मनुष्य अपने अंतर्बाह्य प्राकृतिक परिवेश में भौतिक रूप से स्थित होते हुए भी मानसिक तौर पर सत्ता से आविष्ट परिवेश में जी रहा है। वह सत्ता से वेद्य भी है और सत्ता का वेधन करने की संभावनाओं से युक्त भी है, और क्योंकि राजनीति सत्ता का विज्ञान या विमर्श है, समकालीन मानवीय स्थिति को बोधगम्य बनाने और बदलने के लिए दार्शनिक उहापोह, इंद्रियता, अनुभूति, उत्प्रेक्षा, अनुमान जैसी विधियों की बजाय राजनीति कहीं ज्यादा कारगर विधि है। जैसा कि वे कहते हैं, विराट भीड़ों के समाज को बदलने का आज सिर्फ एक साधन है, वह है उस सत्ता का उपयोग जो समुदाय का एक एक व्यक्ति अलग अलग निर्णयों से कुछ हाथों में देता है। राजनीति इसी की साधना की विधि है। राजनीति इसीलिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ भी यह भी कहते हैं कि पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूं, अपनी उस कला परंपरा के लिए जिसमें मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं, और आप कहते हैं कि कविता की है। राजनीति की आत्यंतिक जरूरत की सशर्त स्वीकृति में यह निहित है कि राजनीतिक मूल्य और काव्य मूल्य परस्पर अपवर्जक हैं। राजनीति कविता की आजादी को, उसकी अनन्य परतंत्रता को, अराजक कल्पना को ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहिए। स्थिति पिछले प्रकरण की भांति हाथ खींच लेने की नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की है। इस प्रकरण में कविता खुद को बिना किसी प्रतिरोध के राजनीति के हाथों में सौंप देती है, कुछ वैसे ही जैसे लोग खुद को सत्ता के हाथों में सौंप देते हैं। इस फर्क के साथ कि जहां लोगों के आत्मसमर्पण के खिलाफ कवि क्षुब्ध होता है, वहीं प्रस्तुत प्रसंग में वह निर्द्विघ्न बल्कि सहमत दिखाई देता है। यहां रघुवीर सहाय की कविता वह संकोच और किफायत नहीं बरतती जो उनका काव्य नायक